मेरे जवान भाई बहनों, आज मैं आपसे बात करना मांगता हूँ। यदि हमारे श्रोतागण, चाहे वो जवान ना हो शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से जवान है, तो ये वचन आपके लिए भी है। जी हाँ, हम सब एक दूसरे के अंग हैं। जहाँ तक विश्वासी की बात है, हम सब विश्वासी भाई बहन एक दूसरे के अंग हैं। और विशेष करके जब जवानों की हम बात करते हैं, तो आजकल जवान जोश से भरे रहते हैं, एक्साइटमेंट होता है उनमें, और वो कुछ करना मांगते हैं। अब कुछ करना मांगते हैं, कुछ नहीं करना मांगते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अब लीजिए ना, उदाहरण के रूप में अगर कहीं पर कुछ जुलूस निकालना है, तो लोग जवानों को पकड़ते, भैया आ जा, हम तुम्हारे पीछे खड़े। लेकिन हमारे चर्च में क्या हालत है, हमारी कलीसियाओं में क्या हालत है, हमारे जवान कहाँ हैं? क्या हमारे जवान वहाँ पर पाए जाते हैं, या अपने मोबाइल के द्वारा वो पीछे बैठ करके खेलते हैं? ये एक प्रश्न है, एक बड़ी गंभीर समस्या है, जो मैं आपके सामने लाना मांगता हूँ। सो पहली बात हम देखते हैं मेरे जवान भाई बहनों, कि हम सब, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको अपना उद्धारकर्ता माना है और उसको प्रभु करके ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जाने कि हम सब एक दूसरे के अंग हैं। जिस प्रकार से कि शरीर के कई अंग होते हैं, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, मुंह है, हाथ है, पैर है, कई अंग हैं, और हर एक अंगों का अपना अपना कार्य होता है। आँख देखती है लेकिन आँख सुन नहीं सकती, लेकिन कान सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। इस प्रकार से हर एक अंगों का अपना अपना क्या है, कार्य प्रणाली है, और सब अंग मिल करके एक तन, एक शरीर, एक बॉडी बन जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए पौलुस प्रेरित लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 27 और 28 पद, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले होते हैं। कहने का मतलब, कई प्रकार की जो वरदान है परमेश्वर देता है अपने लोगों को, विशेष करके जब मैं जवानों से बात कर रहा हूँ, आपके पास भी कोई ना कोई वरदान प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मैं उस गिफ्ट को या उस वरदान को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने चर्च में? हो सकता है आप गाने वाले हों या बजाने वाले हों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, या काउंसलिंग में हैं, या दान देने वाले हो, या प्रार्थना करने वाले हो, पता नहीं परमेश्वर ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। इवेंजलिज्म का गिफ्ट है, या शिक्षा देने का गिफ्ट है, प्रचार करने का गिफ्ट है, ये आपको परमेश्वर की आत्मा से पूछना है कि प्रभु मेरे जीवन में तूने क्या गिफ्ट दिए हैं जो मैं चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जिससे क्या हो, कलीसिया की बढ़ोतरी हो, यही तो बात है ना। तो मेरे जवान हो, पहली बात आप देखें कि आपका वरदान क्या है, परमेश्वर ने आपको कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं, और उन गिफ्ट्स को, उन वरदानों को सही रूप से इस्तेमाल करके कलीसिया को बढ़ाएं। अब भाई हाथ तो बोल नहीं सकता, मैं दूसरा और काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काम सिर्फ काम करना है और दूसरे काम नहीं बोलूँगा, नहीं नहीं, वो शरीर का अंग है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। हाथ आँख का पूरक है, आँख हाथ का पूरक है, मुंह और कान एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे के पूरक हैं चर्च में, है ना। अब पूरा शरीर तो आँख नहीं है, पूरा शरीर तो कान नहीं है, पूरा शरीर तो मुंह नहीं है, लेकिन सब अंग मिल करके एक देह, एक शरीर, एक तन बन जाते हैं, और उस तरह से उस तन को, उस शरीर को आगे बढ़ोतरी करते हैं, उन्नति बढ़ाते हैं। तो आइए हम अपने चर्च की भी उन्नति करें। जहाँ भी आप चर्च में जाते हैं, आप पास्टर साहब से पूछिए, पास्टर साहब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। मैं हमेशा
ये सेवा में हाजिर होना मांगता हूँ या होना मांगती हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपके कलीसिया के पास्टर को भी इनकरेजमेंट मिलेगा और साथ साथ आप भी अपना गिफ्ट इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा, ये भी बात है। तो पहली बात, आप अपना वरदान जानिए उस चर्च में जहाँ आप जाते हैं और उस वरदान को पूरा करें। दूसरी बात, आप फेलोशिप करिए, संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे जवान भाई बहन कहीं कुछ प्रोग्राम हुआ, यहाँ पर पार्टी हुई, वहाँ पर पार्टी हुई, बहुत अच्छी बात है, पार्टी अच्छी तरह से करिए, इन्जॉय करिए सही रूप से वचन के अनुसार, लेकिन संडे जब आता है, रविवार का दिन आता है, तो संगति करना ना भूलें। फेलोशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 25 पद, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है संगति के बारे में कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे जवान भाई बहनों, आप ज़रूर चर्च में जाइए और कोई किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ ना करें, अरे मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, अरे मुझे वहाँ जाना है, नहीं। अगर मन में भूख है तो साहब आपको चर्च जाने की ज़रूरत नहीं, आप जाना मांगेंगे चर्च में, आपकी एक ख्वाहिश इच्छा होगी। अब जैसे भूख लगती तो क्या लोग आपको ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप खाने के पास जाते हैं, ढूंढते हैं भाई कि मेरे पास खाने के लिए क्या है। तो उसी प्रकार से आप भी चर्च जाइए और चर्च में जा करके वहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनिए, स्तुति गान करिए, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए और वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्या हो या कुछ प्रार्थना की ज़रूरत हो, काम की ज़रूरत हो, स्टडी आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रार्थना की ज़रूरत हो, तो क्या होगा, चर्च वाले आपके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो लगातार रेगुलरली आप चर्च जाइए, नहीं कि एक संडे चले गए और फिर बाकी 2-3 संडे गायब, नहीं। उससे क्या होगा, आपकी अपनी मसीह जीवन की बढ़ोतरी कम हो जाएगी, है ना, सूख जाएंगे, मैं सूख जाऊंगा यदि मैं चर्च नहीं जाता हूँ, कलीसिया में संगति नहीं करता हूँ। तो उसी प्रकार से जब आत्मिक खाना हमें नहीं मिलेगा तो साहब यही होगा, हम सूख जाएंगे आत्मिक रीति से, है ना। तो चर्च में जब हम जाते हैं तो एक प्रकार से हमें एक प्रकार का आत्मिक भोजन मिलता है, सहभागिता मिलती है, एक दूसरे की संगति मिलती है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता है और एक अच्छा चाय पानी के साथ हम अपना ख़त्म करते हैं, अगर चाय पानी वहाँ होता है। तो कहने का मतलब, एक दूसरे के लिए उत्साहित का कारण बने, एक दूसरे को समझाएं, एक यूनिटी, एकता की बात भी यहाँ पर आती है और आत्मिक बूस्टिंग भी वहाँ पर मिलते हैं, और बहुत कम है कि आप पाप में गिर जाएं। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, जवानों के लिए मैं विनती करूँगा कि अपने चर्च के लिए प्रार्थना करें, है ना, बहुत ज़रूरी है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहे, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5:17 क्या लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो आप अपनी आत्मा में, जैसा 6 इफिसियों 6:18 में लिखा हुआ है कि आत्मा में हर समय हम प्रार्थना करते रहे। आप आँख खोल करके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, आँख बंद करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होकर के प्रार्थना कर सकते हैं, बैठे होकर के प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि हम आत्मा में करें, चाहे खड़े होकर के, आँख खोल करके, बैठ के, कैसे भी करें, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा अंदर की मानसिकता है, परमेश्वर के सामने हमें कितने साफ और क्लीन हैं। तो ये बात ज़रूर आप नोट करें कि आप अपने चर्च के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उनके साथ पार्टिसिपेट करें और चर्च को दीजिए, चर्च को देना सीखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप चर्च को देना सीखेंगे तो चर्च की बढ़ोतरी होगी, है कि नहीं। अब उदाहरण के लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों 9:7 2 कुरिन्थियों 9:7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने
वैसा ही दान करे और न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है? प्रेम रखता है। तो आप जरूर परमेश्वर के सामने अपने दान दीजिए, दान नहीं स्वेच्छा से दीजिए, दहकी या दशमांश तो देना ही देना है, उसके अलावा और भी मिला करके आप परमेश्वर के भवन में दीजिए। हो सकता है आपके चर्च में कोई व्यक्ति उतना पैसा ना हो, उतना धनी ना हो जितना आप है या हम हैं, तो किसी न किसी रीति से उस व्यक्ति की सहायता करिए, पैसों के द्वारा, टाइम दे करके या खाना पहुंचा करके। एक प्रकार से बहुत अच्छा ये एक प्रैक्टिस है जो आप अपने चर्च के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आप चर्च की बढ़ोतरी कर रहे हैं, आप अपनी तो बढ़ोतरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने चर्च की भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर जब भी टाइम मिलता है आपको, तो सोशल एक्शन, सोशल कंसर्न जो है, सामाजिक सेवा जिसे हम कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अस्पताल में, लोकल अस्पताल में विजिट किया, लोगों को, अन्य जातियों को, या जेल में जाकर के विजिट किया। कई वहाँ पर ऐसे कैदी है जो परमेश्वर का वचन सुनना मांगते। मैं एक दो बार गया जेल में प्रचार करने मेरे एक दोस्त के साथ, और वहाँ पर बड़े आराम से, बड़ी खुशी से लोग सुनना मांगते, क्योंकि भाई उनके पास तो है ही नहीं और कुछ, बाहर से लोग आकर के सुसमाचार सुनाएं, आज गीत गाएं। तो पर्टिकुलरली जेलर लोगों से आप बताइए कि आप कौन लोग हैं, और आप जो कैदी है उनके लिए एक प्रोग्राम करना मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गीत गाना मांगते हैं। तो जेलर जो है वो बड़े खुशी से आपको अंदर आने देगा, और आप उन कैदियों को शुभ संदेश दे सकते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मैं कैदियों को सुसमाचार सुनाने आया हूँ। तो आप भी उस सुसमाचार को सुना सकते हैं। पता नहीं कितने लोग निराश होंगे उस जेल में, है कि नहीं, कईयों का 5 साल 10 साल 25 साल, अरे साहब जब जेल में जाएं अंदर पता पड़ता है कि कितनी निराशा वाली बात होती है वहाँ पर, बाहर की दुनिया तो देखते नहीं इन लोग। तो आप अपने चर्च के साथ पास्टर साहब से बात करिए, पास्टर साहब चलिए जेल में अगर पॉसिबिलिटी है हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, और वहाँ जा कर के गीत गाया जाए, प्रभु का वचन सुनाया जाए, कितनी अच्छी बात है। तो वो हो सकता है उसमें लोग प्रभु को ग्रहण करें, आपको पता नहीं है अपने मन में पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा, वो पवित्र आत्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। बस ये करिए कि अस्पताल में जाइए या जेल में जा कर के आप परमेश्वर का वचन सुनाइए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं नंगा था क्या तुमने मुझे कपड़े दिए, तुम क्या जेल में विजिट करने गए कैदियों को, जो ज़रूरत है क्या उनकी ज़रूरतों की पूरी की, अगर तुमने इन लोगों के साथ किया तो मेरे साथ किया। तो आइए जवानों, अपने कमर बांधे और आस्तीन चढ़ाएं और तैयार हो जाए एक्शन के लिए। हैं है? और समाज सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोग हमारे जीवन को देख करके, हमारे समाज सेवा देख करके प्रभु परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और साथ साथ वो प्रभु परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं। अब हो सकता है कई ऐसे लोग होंगे जो नीडी होंगे, जो बहुत ज़रूरतमंद होंगे, बूढ़े लोग होंगे, विजिट करिए उनको, विजिट करिए, आप जाइए उनके साथ एक दो लोगों के साथ। अच्छा है कि अकेले ना जाएं, एक दो साथ में ज़रूर अपने साथ ले जाएं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी के संबंध में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 41 से 45 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा प्यासा या परदेशी नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। देखिए साहब, तो आइए, परमेश्वर की सेवा हमारे समाज सेवा के द्वारा भी हो सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं, लोग हमारे भले कामों को देख करके परमेश्वर की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। मत्ती उसका 5:13 से भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो आप जानते हैं। क्या लिखा हुआ? तुम पृथ्वी के नमक हो। सुनिए साहब, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से शुद्ध किया जाए, नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उज्याला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो जवानों, होशियार रहिए, समाज सेवा में लग जाए, फिर आगे बढ़ें। एक जवान को, एक मसीह जवान को और क्या करना है? परमेश्वर का वचन लगातार पढ़ते रहना है। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है? धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो क्या करता है? तेरी व्यवस्था पर, अर्थात बाइबल पर ध्यान लगाए रहता है, उस पर मेडिटेट करता है, मनन करता है, उसके अनुसार चलता है। लिखा हुआ है भजन संहिता 1 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और वह अपनी ऋतु में फलता है। जवानों, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना मांगते हैं, परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता दीजिए, मेडिटेट करिए, मनन करिए उसके वचन को। मैं भजन संहिता 119:9-11 में क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सो जवानों, आप तैयार हो जाए परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए, उसको खाएं। जितना आप खाएंगे उस वचन को, खाने का मतलब है जितना आप उस पर मनन करेंगे, अपने दिल दिमाग व्यक्तित्व मानसिकता में भर लेंगे, उतना ही आप मजबूत और फलदायक वृक्ष होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम आराधना करें। जवानों, आराधना करें आत्मा में। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। ये लिखा हुआ है। मुझे बहुत दुख लगता है कभी कभी हमारे कुछ जवान, हो सकता आप नहीं करते हो, लेकिन कुछ जवान हैं चर्च के पीछे बैठ करके मोबाइल से खेलते हैं। क्या ये परमेश्वर को आदर देना है? आप ही बताइए। जी नहीं, अगर मैं तो ये बोलता हूँ, आप मोबाइल चर्च में ले ही मत जाइए। मैं तो नहीं ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे जरूर टेम्पटेशन मिलता है, यार किसका मैसेज आया, किसका फ़ोन आया। अच्छा है घर में रखो और उत्तर मत दो। अगर लोगों को अगर फ़ोन करना होगा तो वो समझेंगे, अगर फ़ोन करेंगे और आप उत्तर नहीं देंगे, समझेंगे भाई वो चर्च में है, चलो इस समय हम फ़ोन नहीं करेंगे, तो उनको पता पड़ जाएगा। ये नहीं कि फ़ोन आया तो बाहर उठ के चले गए, आप भी डिस्टर्ब, दूसरे लोग भी डिस्टर्ब, बोलने वाला भी डिस्टर्ब। तो एक आप निश्चय कर ले, मैं तो मोबाइल ले ही नहीं जाऊंगा चर्च में। जी हाँ, तो ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखें, ताकि आप वर्शिप, आराधना, एक ट्यून हो करके, एक आत्मा हो करके, एक मन हो करके, आत्मा में और सच्चाई में आप आराधना कर सकते हैं। जवानों, आप सुन रहे हैं ना, ऐसा करेंगे? हाँ, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ भाई करेंगे करेंगे, ठीक है करिए भाई, तभी तो मैं परमेश्वर का वचन दे रहा हूँ। आगे और भी अपने जवानों से लिए विनती है कि अपने जो पास्टर है उनकी सहायता करिए, उनके उनसे पूछिए कि पास साहब बताइए, आपके विजिट में हम चलें, हम सहायता करना मांगते हैं, प्रार्थना करना मांगते हैं आपके लिए। हो सकता है पास्टर को कभी इनकरेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, आप जाइए इनकरेज करिए उनको। जी हाँ, अब जब इनकरेज करेंगे तो वो भी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमारे जवान लोग हमारे साथ हैं। कितना अच्छा है जब जवान लोग पास्टर साहब के साथ, कॉन्ग्रीगेशन के साथ होते हैं। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए।
एक और बात में जो कि एक वायरस के रूप में होता है कभी कभी, घमंड ना आए, प्राइड जिसे हम कहते हैं, प्राइड, घमंड ना आए, है ना। चलिए आप ये सब काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि प्रभु आप पर आशीष देगा, लेकिन घमंड ना आए कि मैं ये करता हूँ चर्च के लिए, मैं वो करती हूँ और ये कोई मुझे रिकग्नाइज नहीं करता है, कोई मेरे कुछ अच्छी बात नहीं बोलता। अरे साहब, आपको दूसरों से सुनने से मतलब नहीं, परमेश्वर क्या सोचता है आपके बारे में। अगर ऐसा सोच के घमंड आ जाए कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ और ऐसा करेंगे, तो फिर ये सब फालतू की बातें हैं। आप अपना काम चुपचाप से करिए, दान दीजिए, अपना गिफ्ट इस्तेमाल करिए, प्रार्थना करिए, सहायता करिए पास्टर की, कांग्रेगेशन मेंबर की, इधर उधर परमेश्वर का वचन सुनाइए, म्यूजिक गाना गाइए, वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर आपको इसके लिए क्या करेगा, आशीष देगा। जो भी आप काम करें तो आप परमेश्वर के प्रेम में होकर के करें, जी हाँ, कुड़कुड़ाते नहीं, परमेश्वर के प्रेम में। तो पूरे जवानों का जो कंक्लूजन है, जो आज मैं बताना मांगता हूँ, कि आप अपने चर्च को बढ़ाएं, आप भी बढ़िए, आपका चर्च भी बढ़े, और इस प्रकार से परमेश्वर की चर्च की बढ़ोतरी होगी, और वो प्रभु यीशु मसीह जब अपने चर्च को देखेगा, कलीसिया को देखेगा, वाह वाह वाह, इस कलीसिया में जो मेरी दुल्हन के समान है, ये तो बहुत ही सुंदर चर्च है, यहाँ के चर्च के जवान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो जवानों, आप तैयार हैं, हैं? अगर फिर से भूल भाल गए हैं तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि क्या जवानों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप में क्षमताएं हैं, क्या गिफ्ट हैं, क्या वरदान हैं, आप अपने चर्च के लिए क्या कर सकते हैं, और अपने पास्टर साहब के साथ, चर्च के साथ मिल करके परमेश्वर की कलीसिया बनाने में अपना हाथ बटाएं। परमेश्वर आपको आशीष दें।